नमस्कार साथियों, हम आपको दिखाएंगे छतरपुर में जो बुलडोजर चला है किस कारण से चला। तो खबर पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की और भी बड़ी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए, एमपी के छतरपुर में एक समुदाय को लेकर किसी शख्स ने आपत्तिजनक कमेंट से नाराज लोगों ने बुधवार शाम को सिटी कोतवाली पर पथराव कर दिया। भीड़ ने पहले नारेबाजी की, फिर देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें थाना प्रभारी अरविंद कुंजन, आरक्षक भूपेंद्र प्रजापति और एडीएम के गनमैन राजेंद्र चराड़ घायल हो गए। टीआई की हालत गंभीर है, जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही कलेक्टर पंथ जायसवाल और एसपी अंगम जैन अस्पताल पहुंचे। इधर इस मामले में पुलिस ने करीब 30 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा। इनमें कुछ महिलाएं भी हैं। अब आगे भी सुनिए। दरअसल बुधवार शाम करीब 5 बजे थाने में शिकायतें आवेदन लेकर पहुंचे। धीरे धीरे और लोग जमा होने लगे। सभी थाने के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान भीड़ में कुछ लोग पुलिस को हथियार और हाथ में पत्थर लिए नजर आए। पुलिस ने मेन गेट बंद कर दिया। वहीं मेन गेट के बंद होते ही भीड़ ने और जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ पुलिसकर्मी उन्हें शांत करवाने बाउंड्री वाल पर चढ़े। वे उन्हें शांत रहने की बात कर रहे। टीआई अरविंद कुंजन भी आवेदन लेने थाने के बाहर निकले। वह मेन गेट पर पहुंचे ही थे कि भीड़ में आए लोग विवाद करने लगे। बाहर से पत्थर शुरू हो गया। बाउंड्री पर खड़े पुलिस के जवान अंदर की ओर भाग। टीआई ने भी खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पत्थरबाजी में वह और पुलिसकर्मी पत्थर लगने से घायल हो गए। टीआई को सिर, हाथ, पैर और सीने में पत्थर लगने की जानकारी के मुताबिक भीड़ में से किसी ने उन पर चाकू से वार भी किया। वह अचानक मुड़े और चाकू देखकर उसे पकड़ने की कोशिश की, जिससे चाकू में घुस गया। इलाज करने वाले डॉक्टर का भी कहना है कि हाथ पर जो घाव हैं वह किसी धारदार हथियार के हैं। पूरे घटनाक्रम का कुछ पुलिसकर्मियों ने वीडियो भी बनाया। इसमें एक महिला पुलिसकर्मी की आवाज़ सुनाई दे रही कि परिसर में जो गाड़ी खड़ी है उसमें कुछ लोग बैठे हैं, वह मर जाएंगे, उन्हें बाहर निकालिए। घटना में घायल एडीएम ने के गनमैन राजेंद्र चराड़ और आरक्षक भूपेंद्र प्रजापति ने बताया कि थाने के बाहर करीब 600 से 700 लोग जमा थे। उन्होंने आवेदन देने के दौरान बहस की। वह कमेंट करने वाले व्यक्ति पर एफआईआर की मांग कर रहे थे। फिर अचानक दूसरी ओर से पथराव शुरू हो गया। हम सभी पत्थर से बचने के लिए इधर उधर भागे। इस दौरान एक पत्थर आकर सीधे मेरे सीने पर लगा। इसके बाद और पत्थर आकर लगे। डीआईजी ललित साक्यवान ने बताया कि 300 से 400 लोगों की भीड़ ज्ञापन देने आई थी। इनका कहना था कि उनके धर्म को लेकर गलत टिप्पणी की गई, संबंधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। भीड़ अचानक उग्र हो गई और पथराव शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट तक पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े। पत्थरबाजों ने 50 से 60 पत्थर फेंक। इनमें से टीआई के सर और हाथ में गंभीर चोट, दोनों पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिस बल शहर में तैनात कर दिया गया। पुलिस मार्च पास्ट कर रही थी, वहीं सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही थी। तो हाँ, अब सुनिए, 21 अगस्त को पुलिस पर पथराव करने वाले लोगों के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया था। इनमें शहजाद हाजी पूर्व सदर की आलिशान कोठी भी शामिल हैं। इस कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी और भारी पुलिस बल भी मौजूद हैं। पुलिस ने जवानों पर पत्थर फेंकने के मामले में 46 नामजद आरोपी और 150 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कुछ लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर लिख रहे हैं कि यह कार्रवाई बुलडोजर की गलत हुई है। तो क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करना यह सही था? मध्य प्रदेश पुलिस लगातार आपकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। अगर आप प्रशासन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे तो स्वाभाविक ही आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई होना
तय हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह खबर अच्छी लगी है तो आप खबर को शेयर, लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।